हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास काफी फोन आ रहे हैं, काफी पर्संस हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कनाडा जाकर सेटल होना है, वहां जाकर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पर हम कैसे जा सकते हैं, कैसे हमारा बिजनेस वहां सेटल कर सकते हैं, कौन से बिजनेस की वहां पर ज्यादा डिमांड है और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा जाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं यही जानकारी देने आई हूँ आपके लिए। सो वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टर वीज़ा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने इन्वेस्टर वीज़े के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप विंडो में टाइप कीजिए स्टार्टअप वीज़ा। जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको 55 पेजेस की गाइड बुक मिलेगी, उसे आप प्रिंट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश में होगी लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है। और अगर फिर भी आपने कोई जानकारी लेनी भी है, हमसे बात करनी है, तो हमारे पटियाला ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। पटियाला ऑफिस का नंबर है हमारा 9882950। तो इस तरह आप इन्वेस्टर वीज़े के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस हैं जिनकी कनाडा में ज़्यादा डिमांड है। एट प्रेजेंट जो बिजनेस वहाँ पर चल रहे हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे अच्छी इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले है पैकिंग बैग्स एक्सक्लूडिंग प्लास्टिक, आगे है रेस्टोरेंट्स, फ्रूटिकाना ग्रोसरी आउटलेट्स, अपनी मंडी फ्रेंचाइज आउटलेट्स, फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स, सेल फोन आउटलेट्स, लिक्वर स्टोर्स, टैक्सी कंपनीज। ये जो टैक्सी कंपनीज हैं ये लोकल सर्विस के लिए हैं। और ट्रक ऑपरेशंस, ये जो ट्रक हैं जो लोकल लेवल पे भी चलते हैं और ऑल ओवर कनाडा और अमेरिका में भी चलते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस ऑल ओवर कनाडा और अमेरिका में भी दी जाती है। आगे पिज़्ज़ा आउटलेट्स, चिकन शॉप्स, स्वीट शॉप्स, पोस्ट ऑफिस, लॉन मूवर्स, हाउस पेंटिंग सर्विसेज, हाउस वुडन फ्रेमिंग सर्विसेज, स्टील स्टड फ्रेमिंग, ड्राई वॉल इंस्टॉलेशन, इंसुलेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल हाउस बिल्डर्स, मैशन वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, लॉन मूवर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, रोड सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, रेंटल आउटलेट्स इन रूरल एरियाज एंड फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं फार्मर्स फॉर ग्लास हाउसेज, वेजिटेबल ग्रोअर्स एंड आइलेट सेंटर्स। तो ये सारे बिजनेस हैं जिनकी आज के समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर इनमें से आप कोई बिजनेस वहां जाकर स्टार्ट करोगे कनाडा में तो आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है बिजनेस के बारे में, कैसे आप जा सकते हो, कौन कौन से बिजनेस आप वहां पर जाकर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है कनाडा जाकर, इन्वेस्टर वीजे पे आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना बहुत जरूरी है। उतने फंड होने चाहिए जिससे आप वहां जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और फिर भी आप कोई बिजनेस के बारे में या कनाडा के बारे में कोई जानकारी फिर भी लेना चाहते हैं, डीपली आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर सकते हैं 1604765508। मैं नंबर रिपीट करती हूँ 1604765508। इस नंबर पे आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारी जानकारी दी जाए। ये फैसिलिटी जो है जो आपके लिए 31 दिसंबर 2021 तक बिल्कुल फ्री है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
सो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो उन पर्सन तक जरूर पहुंचे जो कनाडा जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टर वीजे के बारे में भी जानकारी हो जाए और उनको बिजनेस के बारे में पता चले। सो नई नई अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।